एक कप सूजी, दो कप घी, मतलब 2 चम्मच घी में सूजी को ठीक से भूनना है। अनिरुद्ध जी, आप सब नहीं, मैं ना ऑलरेडी नर्वस हूँ, मुझे सूजी के हलवे की पूरी रेसिपी पढ़नी है अभी। अरे यार, तुम इतनी नर्वस क्यों हो यार, रात से 50 बार पढ़ चुकी हो तुम। नर्वस तो होंगी ना, आज मेरी पहली रसोई। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारी जेठानी, तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। चलो आओ, मेरे साथ आओ। भाभी भी ना हमेशा गलत टाइम पे आती है। अरे वाह, ये हलवा तो कमाल का बना है, एक्सीलेंट। सच बहू, बहुत स्वाद का बना है। ये ले तेरा शगुन। अच्छा, मैंने और तुम्हारी भाभी ने, हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि तुम दोनों को गिफ्ट में कहीं घूमने भेजना चाहते हैं। हाँ, तुम दोनों को हनीमून में जो भी जगह पसंद आती है हमें बता देना, हम तुम्हारा वहाँ बढ़िया से पैकेज करा देंगे। वो एक्चुअली जेठ जी, भाभी की जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। एक बार उनकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए ना, फिर हम लोग चले जाएंगे। छोटी बहू, तुम अपनी भाभी की फिक्र मत करो। इसका पति खुद डॉक्टर है और मैं भी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, हाथ पांव सलामत है मेरे। सासू माँ प्लीज, अगर मैं भाभी को ऐसे छोड़कर जाऊंगी तो मेरा भी दिल नहीं लगेगा वहां। देखा, तूने पिछले जन्म में कुछ ज्यादा ही अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए इतनी अच्छी बीवी मिली है। चलो कोई बात नहीं, कुछ महीनों की बात की टिकट करा लेंगे, फिर घूम आना। और हाँ, शाम को राधिका को हॉस्पिटल लाना मत भूलना, आज उसका चेकअप कर लेंगे। ओके जी। शाम को टाइम से आ जाना जी। ला, ख्याल रखना। बच्चा एकदम हेल्दी और तंदुरुस्त है, बस ऐसे ही टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना। There is no problem. डॉक्टर साहब, और मैं जानना चाहता था कि हमें लड़का होने वाला है या लड़की। ये आप क्या पूछ रहे हो जीजू? आपको पता है ये सवाल पूछना क्राइम है? तो चुप कर। डॉक्टर साहब, आप प्लीज बता सकते हैं, आप बोलोगे उतना पैसे भी दूंगा मैं आपको। Shut up! आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं? जेंडर पता करना कानूनी जुर्म है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा हेल्दी है, तंदुरुस्त है। एक बार और आपने ऐसी बात की तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन फोन करूंगा। इसके पहले तो हम फोन करेंगे। आप जा सकते हैं।
माय गॉड जेठ जी, आज भी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। क्या करें श्रुति, ऐसे लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते पर अपना काम तो ईमानदारी से कर सकते हैं। छोड़ो ये सब बात, चलो चेकअप करते हैं। ये मशीन तो काफी पुरानी है ना? नहीं नहीं, क्यों? वो मेरे मामा जी की मेडिकल इक्विपमेंट की फैक्ट्री है, तो ये मशीन मैंने उन्हीं के गोडाउन में देखी थी और उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये बच्चों के जेंडर पता करने में यूज की जाती थी। तुम कंफ्यूज हो रही हो श्रुति, ये सब लेटेस्ट मॉडल है और बिल्कुल अपडेटेड। तुम शायद सेम कंपनी के दूसरे मशीन से कंफ्यूज हो रही हो। मेरा बच्चा, ओह माय गॉड, ये तो अभी से कितना क्यूट है। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ जेठ जी, सब ठीक तो है ना? नहीं, राधिका हमारे बच्चे का हार्ट बीट बहुत वीक है। क्या? इसका कोई सलूशन तो होगा ना? कुछ नहीं हो सकता है, बच्चे को हम जल्द से जल्द नहीं गिराएंगे तो बच्चे के साथ साथ तुम्हारे जान को भी खतरा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे जरूर पता चलता। मेरा मन कहता है मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। फिर मत करो राधिका, ये फैसला जितना मुश्किल तुम्हारे लिए है उतना मुश्किल मेरे लिए भी है। मैं इस बच्चे के लिए तुम्हारे जान को खतरे में नहीं डाल सकता राधिका, प्लीज कांट डू दैट। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। क्या पूछ रहे हो जीजू, आपको पता है रे सवाल पूछना क्राइम है? संभाल करती, आपको आराम करना होगा। जेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ दीदी कि बच्चे के खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना होगा। आप लोग यहाँ सब ठीक तो है ना? वो हम यहाँ दीदी का अबॉर्शन करवाने आए हैं। आपके हस्बैंड फोर्स कर रहे हैं क्या? उन्हें बेबी का जेंडर कहीं से पता चल गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जीजू ने ऐसा कुछ किया होता तो मैं खुद उनको जेल भिजवा देती। दरअसल बच्चे की हार्ट बीट बहुत कमज़ोर है और डॉक्टर साहब ने खुद कहा है अगर बच्चा नहीं गिराया तो दीदी की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, मेरा बच्चा भी। नर्स, नर्स जी, वो प्राइवेट रूम के लिए कहा था ना, ये दूसरा पेशेंट क्यों है यहाँ? सॉरी मैम, अभी दूसरे रूम में शिफ्ट करा देती हूँ। जल्दी बहु, तेरे लिए लड्डू लाई हूँ जो तेरे शरीर की कमजोरी दूर कर देगा। हाँ, बहुत फायदा करेगा।
क्या लिख रही हो? वो परसों भाभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ रही ना, बस उससे पहले जो भी मुझे काम करने हैं उन्हीं की लिस्ट बना रही हूँ। जैसे उनके लिए लड्डू और चिक्की बनाना, जिससे वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और जो प्रेगनेंसी की बुक्स और खिलौने हैं वो सारे डोनेट कर दूंगी। मैंने कुछ एनजीओ वालों से भी बात कर रखी है, नहीं तो भाभी देखेंगी ना तो। और आई लव यू, आई एम सो लकी कि तू मेरी वाइफ हो जो मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली का ध्यान रखती है। वो सिर्फ आप ही की फैमिली नहीं है, वो मेरे भी कुछ लगते हैं। नहीं, कोई भी लड़की अपना हनीमून मिस करके ये सब नहीं करेगी जो तुम कर रहे हो। मिस किया तो क्या हुआ, हम जा नहीं सके लेकिन हम अपना हनीमून यहाँ तो मना सकते हैं। नहीं बचा सके। देखिए ऑपरेशन के वक्त का काफी ब्लड लॉस हो गया था, कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, इसी वजह से हम ये अबॉर्शन तो मेरी दीदी की जान बचाने के लिए था ना, तो फिर वो अबॉर्शन की सर्जरी से कैसे बच सकती है? हमने पूरी कोशिश की। देखिए मैडम, हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं। आई एम रियली सॉरी। झूठ बोल रहे हैं आप। कल तक दीदी और बच्चा दोनों ठीक था और फिर आज अचानक से ये सर्जरी मेरी दीदी के लिए डेंजरस हो गई। कुछ तो गलत हुआ है मेरी दीदी के साथ। और ध्यान रखना, मैं इस बात का पता जरूर लगा कर रहूंगी। मैडम, ये हॉस्पिटल काफी ट्रांसपेरेंट हॉस्पिटल है, आप जो भी इन्वेस्टिगेशन चाहे आप कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर हैं, भगवान तो नहीं। आई ट्राइड माय बेस्ट। मशीन तो काफी पुरानी है ना? वो मेरे मामा जी की मेडिकल इक्विपमेंट की फैक्ट्री है, तो ये मशीन मैंने उन्हीं के गोडाउन में देखी थी और उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये बच्चों के जेंडर पता करने में यूज की जाती थी। मशीन से तो बच्चों के लिंक चेक करते हैं और ये तो इंडिया में बैन है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। हाथ मत लगाइए। मैं सब जान गई। ये मशीन क्या करती? आप अपने हॉस्पिटल में बच्चों के लिंक चेक करते हैं? तुम्हें गलतफहमी हो रही है राधिका, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलिए, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप यहाँ पर बच्चों की लिंक चेक करते हैं? सिर्फ चेक नहीं करता हूँ राधिका, लड़की हुई तो उसका अबॉर्शन भी करता हूँ, जैसे तुम्हारा किया। या, हमारी बेटी ठीक थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल तंदुरुस्त थी वो, पर लड़की थी। आज तक आपने कभी मुझे ये नहीं जताया कि आपको लड़कियों से नफरत है, आपको सिर्फ लड़का चाहिए था, फिर आज ये अचानक क्यों?
अब मैं क्या करूं? आज के डेट में सारी लड़कियों को पुलिस स्टेशन जाने की आदत सी हो गई है। ऐसे सूरत में हम जैसे मर्दों को तो क्रिएटिव बनना ही पड़ेगा ना। तुम जानती हो ये सब मैं कैसे करता हूँ? पहले तो पेशेंट हमसे पूछते हैं लड़का है या लड़की, तब मैं उन्हें डांट कर और पुलिस की धमकी देकर भगा देता हूँ। लेकिन फिर बाद में हमारी टीम से नर्स उन्हें कांटेक्ट करती हैं। हम उस पेशेंट को किसी ना किसी बहाने चेकअप करने के लिए बुला लेते हैं, और अगर चेकअप के बाद दवाई के प्रिस्क्रिप्शन ग्रीन पेन से लिखा हो तो वो लड़का होता है, और रेड पेन से लिखा हो तो वो लड़की होती है। बच्चे का जेंडर पता होने के 5वें महीने तक हम उसका एबॉर्शन नहीं कर सकते हैं, ये भारत में बैन है, पर उसके लिए हम एक लूपहोल का इस्तेमाल करते हैं। लूपहोल? यस, लूपहोल। अगर प्रेगनेंसी से माँ की जान को खतरा हो तो सरकार डॉक्टर के लेटर से माँ के एबॉर्शन की अनुमति दे देती है। हाँ, और उसी का फायदा उठाते हो आप, हमारी जान खतरे में डालकर हमारे मासूम बच्चों की हत्या करते हो। और वो पूछा, उसका पति उसे लेट लेके आया था, प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में लेके आया था, उसकी जान को खतरा है, मैंने उसे कहा था, पर फिर भी उसने मुझसे अबॉर्शन करने को कहा और मैंने कर दिया। घटिया हरकत करके ऐसे बता रहे हो जैसे कोई महान काम किया। मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम खूनी हो, खूनी। आप जैसी घटिया सोच, और तुझे पता है ऐसी सोच और किसकी है? तेरे भाई की। आया था वो किसके साथ पता है? तेरे माँ बाप के साथ, तुम्हारी भाभी का अबॉर्शन कराने। और मैंने किया। इसीलिए अगर तू ये सोच रही है कि ये बात जाके तू पुलिस को बताएगी तो मेरे साथ साथ तेरे माँ बाप भी इसके अंदर जाएंगे, तो ये हरकत करने के बारे में इस सोच भी मत। जाके दुआ कर कि इस बार लड़का हो, वरना इस बार फिर से। थोड़ा तो खा लीजिए। नहीं श्रुति, मेरा मन नहीं है। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, बट आई एम श्योर इस बार आप बहुत जल्दी हमें एक गुड न्यूज सुनाएंगी, और देखना बच्चा जो होने वाला होगा ना, हट्टा कट्टा और एकदम हेल्दी होगा। बिल्कुल तंदुरुस्त थी वो, और लड़की थी। क्या हुआ श्रुति? श्रुति, श्रुति तुम ठीक हो? श्रुति बोलो ना। अरे पगले, ये खुशखबरी है, तू बाप बनने वाला है। भगवान एक खुशी छीनता है तो दूसरी देता है। हमारे घर में खुशियां आने वाली है। इस बार हमें दुगुना चौकन्ना रहना होगा। और हाँ श्रुति, इस बार मैं तुम्हारा पर्सनली चेकअप करूंगा, हर 2 दिन में। ओके? जी। श्रुति, ये देखो, आज पहले तुम बैठो आराम से। ओके, आराम से बैठो, बैठो, बैठो। अरे लेकिन हुआ क्या? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर, ये हमारी प्यारी सी बेटी के लिए, कैसा? और ये भी हमारी प्यारी सी बेटी के लिए, क्यूट है ना? ये सब क्या है? ये डॉल, ये बार्बी, ये पिंक कपड़े, ये सब हमारी बेटी के लिए। ओके, और बेटा हुआ तो? मैंने भगवान को अर्जी डाल दिया, इस पर हमारी बेटी हो तुम्हारी तरह।
स्मार्ट, क्यूट, एकदम ब्यूटीफुल। अच्छा, लेकिन मुझे तो बेटा चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह हैंडसम। हाँ ठीक है, लेकिन इस बार बेटी, ओके, नेक्स्ट टाइम बेटा कर लेंगे ना? जाके दुआ कर कि इस बार लड़का हो, वरना इस बार फिर से नो। हाँ हाँ भाभी आइए ना। क्या हो भाभी, आप ठीक तो हैं? हाँ थोड़ी परेशान तो हूँ। मैं यही सोच रही थी कि तुम दोनों को इस बच्चे के लिए कोई दूसरा हॉस्पिटल ढूंढ लेना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप, भैया क्यों होते हो, हम दूसरे हॉस्पिटल क्यों जाएं? तू खुद सोच श्रुति, क्या तू अपने जेडसी से चेकअप करवाने में कंफर्टेबल है? तो सही है भाभी आपकी, हर औरत प्रेगनेंसी में फीमेल डॉक्टर पसंद करती है। मेरे तो वो पति थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। एक तो मेल डॉक्टर, ऊपर से तेरे जेड जी, आधी बातें तो ये शर्म के मारे कह भी नहीं सकती। भाभी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर हम कोई दूसरा डॉक्टर अपॉइंट करेंगे तो जेड जी को बुरा नहीं लगेगा? तुम टेंशन मत लो भैया से, मैं बात कर लूंगा। मेरे रास्ते में आएगी तो दर्द तो तुझे होगा ही। तेरी हिम्मत कैसे हुई श्रुति को दूसरे हॉस्पिटल में भेजने की? आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, जितना मार रहा है मार लीजिए, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया वो मैं आपको श्रुति के साथ नहीं करने दूंगी। देवरानी हो तेरी सगी बहन नहीं जो ड्रामा कर रही है, जा मेरे रास्ते से। मेरे लिए श्रुति मेरी बहन जैसी, अगर उसकी जगह पे कोई और लड़की भी होती ना तब भी मैं आपको ऐसा करने से रोकती। कैसे रोकेगी तू मुझे, दो चार महीने तक तो पता भी नहीं चलता है कि पेट में लड़का है या लड़की, और चार महीने के बाद मैं कैसे भी पता कर ही लूंगा इसके पेट में लड़का है या लड़की, याद रखना। आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। अच्छा रोकेगी मुझे, पर एक बात याद रखना, मेरी सच्चाई अगर बाहर आई सबके सामने तो तेरे माँ बाप की भी सच्चाई बाहर आएगी सबके सामने, और मेरे साथ साथ वो भी जेल जाएंगे। डोंट फॉरगेट दैट, इसीलिए मेरे रास्ते से हट जा, ओके? ये ले बहू दूध पी ले। माँ जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी पीना तो पड़ेगा, बच्चे के सेहत के लिए जरूरी है। माँ जी आप रख दीजिए, मैं इसे बाद में पिला दूंगी। ठीक है। भाभी जब हम सब्जी में रोज हल्दी डालते हैं और रोज खाते हैं, फिर ये हल्दी वाला दूध क्यों, चॉकलेट वाला दूध क्यों नहीं? ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन सब कहते हैं कि हल्दी वाला दूध माँ और बच्चे के लिए अच्छा होता है, और वैसे भी मैं अपने होने वाले भतीजे की देखभाल में कोई कमी नहीं रखना चाहता। भाभी आपका भतीजा नहीं भतीजी आएगी। अच्छा चलो खत्म करो। गुड गर्ल। श्रुति, श्रुति, श्रुति क्या हुआ? श्रुति क्या हुआ तुम्हें? दो श्रुति क्या हुआ बहू? आज देखिए ना श्रुति को क्या हुआ? श्रुति एक मिनट, नर्स तो बहुत कमजोर हो रही है, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ, जल्दी।
श्रुति, श्रुति तू ठीक तो है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू और बच्चा दोनों ठीक है। श्रुति को जाने क्या हो गया था? अनिरुद्ध, मैंने श्रुति के डॉक्टर की फाइल देखी है, उसमें उस डॉक्टर ने एक ऐसी दवाई लिखी थी जो हर किसी औरत को सूट नहीं करती है, और मुझे ये लगता है कि ये उसी दवाई का साइड इफेक्ट है। क्या? जेठी मेरा बच्चा तो ठीक है? तुम भी ठीक हो, तुम्हारा बच्चा भी ठीक है। डॉक्टर, लेकिन श्रुति तुम्हें एक फीमेल डॉक्टर चाहिए थी ना? एक मिनट, डॉक्टर सपना। यस सर। प्लीज कम हियर। जी डॉक्टर सपना, रात से तुम्हारी सारी ट्रीटमेंट सिर्फ मैं सुपरवाइज करूंगा, यही चाहती थी ना तुम? आदि भैया ये बेस्ट सॉल्यूशन, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सपना, क्या तुमने श्रुति के ब्लड रिपोर्ट्स और सोनोग्राफी की? यस सर। एक मिनट। क्या हुआ जेठ जी, सब ठीक तो है ना? घबराओ नहीं, सब ठीक है, मैं हूं ना। सच सच बताइए, श्रुति बेहोश कैसे हुई थी? आपने उसे बेहोश किया था ना? हम दोनों ने राधिका, मैंने उसके हल्दी वाले दूध के ग्लास में दवाई मिलाई थी। और तुमने उसके हल्दी वाले दूध के ग्लास को उसे पिलाई थी। मैंने कहा था ना राधिका तुम्हें, 4 महीना पूरा होने दो, मैं किसी ना किसी तरीके से पता लगा ही लूंगा कि उसके पेट में लड़का है या लड़की, और मैंने वो कर दिखाया। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आपको लड़की पसंद नहीं थी तो आपने अपने बच्चे गिरा दी, लेकिन आपका भाई अनिरुद्ध, उसे तो लड़की ही चाहिए। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध अभी बच्चा है, जब कल को उसकी बेटी की शादी होगी तो दहेज का पैसा क्या वो अकेले देगा? नहीं, पूरे परिवार को उसके लिए पैसा देना होगा, पूरा परिवार उसके लिए परेशान होगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। You got it? लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं राधिका, तू बस रास्ते से हट जा, और अपनी देवरानी के आंसू पोंछने के लिए, उफ़, I am so sorry, अपनी छोटी बहन के आंसू पोंछने के लिए तैयार हो जा। Got it? नहीं, मेरे साथ जो हुआ मैं श्रुति के साथ नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। बहू, श्रुति कैसी है? माँ जी, माँ जी मुझे आपको कुछ बताना है। वो पंकज। हाँ बहू, बोलो। वो पंकज श्रुति के बच्चे को मार देगा, जैसा उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। क्या क्या कह रही है बहू तू? मैं सच कह रही हूँ माँ जी। माँ जी, माँ जी कुछ कीजिए, आप ही पंकज को रोक सकती है। राधिका, तू इस पर क्यों चिल्ला रहा है? चिल्लाना तो मुझे तुझ पर चाहिए। कि तू अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता? बहू, तुम क्यों चौंक गई? तुम्हें क्या लगता है मेरे सिर्फ 2 बेटे इत्तफाक से हुए हैं? अरे पंकज से पहले मैंने 3 बेटियां गिरा चुकी हूँ, और अनिरुद्ध के होने से पहले 2 बार। औरत हो गई, तुम बोझ समझ रही? औरत हूँ इसीलिए औरत का बोझ अच्छी तरह समझती हूँ। अब देख,
तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत देना हाँ। और तू अगर यही बात इसने श्रुति और अनिरुद्ध को बता दिया होता, पता है ना तेरा भाई क्या करता? गधा है माँ, गधा। काश इस बच्चे गिराने के काम में उसे भी अपने साथ ले पाता ना, तो ये काम बहुत आसान हो जाता। अरे ये वो नहीं समझता है, वो नहीं समझता कि बेटियां घर में कितनी बड़ी बोझ होती हैं। पता नहीं कब समझेगा वो। आप घबराओ नहीं माँ, और इस बार जो दवाइयां मैंने श्रुति को दी है ना माँ, वो दवाइयां अगर वो रेगुलरली लेगी तो उसका बच्चा उसके पेट में ही मर जाएगा। और मेरी बात ध्यान से सुन, इस बार अगर तू मेरे बीच में आई ना तो मारते मारते तेरा हाल बेहाल कर दूंगा। Did you get it, राधिका? एक सुबह, एक शाम में और एक रात में, और ये सिर्फ रात में। ये दवाई मुझे, और इस बार जो दवाइयां मैंने श्रुति को दी है ना माँ, वो दवाइयां अगर वो रेगुलरली लेगी तो उसका बच्चा उसके पेट में ही मर जाएगा। और ये इवनिंग में, ये सिर्फ। अनिरुद्ध, अभी आप तुम ऑफिस नहीं गए? भाभी बस दवाइयां सेट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। वो मैं कर लूंगी, तुम ऑफिस जाओ। यू आर द बेस्ट भाभी, चलता हूँ। भाभी मेरे पेट में कुछ हो रहा है। अच्छा, बेबी लात मार रही है। अरे वाह, ये तो अभी से फुटबॉल चैंपियन है। तुमने ठीक से दवाई तो दी थी ना, बच्चा अभी तक जिंदा कैसे है? एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, अभी तक तो बच्चे को मर जाना चाहिए था। लगता है फिर से मेरी बीवी ने कुछ किया होगा। टांग नहीं तोड़ देता अपनी बीवी की। बोल रहा हूँ माँ, कुछ करता हूँ। तो रहने दे, जो करना है यही करना होगा। देखो इंटरनल ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। श्रुति भैया ठीक है?
चलो श्रुति, हमें चलना होगा। श्रुति आराम से, आराम से, आराम से। संभाल के बहू, संभाल के। आराम से, आराम से। बेटा तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भैया श्रुति ठीक है ना? भैया बोलो ना। मैं आपको संभाल लूं अनिरुद्ध। डॉक्टर आप सर्जरी की तैयारी कीजिए। श्रुति ठीक है ना? क्या क्या हुआ बच्चे को? बोलो ना भैया, क्या हुआ बच्चे को? बोलो ना। बच्चा पेट में ही मर गया। भगवान, तू हमारे परिवार की खुशियाँ क्यों ले लेता है? पहले बड़ी बहू की खुशियाँ छीन ली और अब छोटी बहू की। तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता। श्रुति को सारा दर्द भी नहीं हो रहा था। आप दोबारा चेक कीजिए भैया, प्लीज दोबारा चेक कीजिए भैया, प्लीज। अनिरुद्ध, मैंने 3 बार खुद टेस्ट किया है अनिरुद्ध, बच्चे का हार्ट बीट बंद है। सॉरी। श्रुति की बेटी जिंदा है ना? हाँ जिंदा है, पेट के बल गिरी पर फिर भी जिंदा है। कुछ नहीं हुआ है उसे। और मैं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। श्रुति के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। कितने बार समझाया है तुझे? एक ही धमकी कितने बार दिया है तुझे? पुलिस को फोन करेगी तो तेरे माँ बाप भी अंदर जाएंगे मेरे साथ साथ जेल में। तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान एक मासूम बच्चे की जान ले सकता है, ऐसे लोगों को तो जेल जाना ही ठीक है, चाहे वो मेरे माँ बाप हो या फिर मेरा पति। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। छोड़ो मुझे। ठीक से पकड़ो। छोड़ो मुझे। फिर सोचेंगे इसका क्या करना है। जा। भाभी का बेटा, वो उसकी माँ के घर से फोन आया था, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई इसलिए उसे जाना पड़ा। तू फिक्र मत कर, हम सब है ना तेरे साथ। हाँ Thank you.
भीम, ये आखिरी इंजेक्शन और बच्चा पेट के अंदर ही मर जाएगा। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जल्दी चलो। अभी आप? अनिरुद्ध तो बाद में जिंदा है और बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर भी पंकज से मारना चाहता है। जल्दी चलो अनिरुद्ध। अभी लेकिन बहस मत करो अनिरुद्ध, जल्दी चलो। श्रुति, श्रुति आके कौन? श्रुति भैया, भाभी क्या बोल रही है वो सच है, श्रुति के पेट में लड़के, इसलिए आप ये सब। देख अनिरुद्ध, बैठ के बात करते हैं, ये सब बात ऐसे नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये सच है, लड़कियों का भगवान माना जाता है, लड़कियों का पूजा जाता है, और आप ही घिनौना काम कर रहे हैं, और वो भी मेरे साथ, अपने छोटे भाई के साथ। मैंने आपको आपको अपना आइडल माना भैया, और आपने आपने मेरे साथ ऐसा घिनौना काम किया, ऐसा गिरा हुआ काम किया। ये 2 लाख रुपए आपके लक्ष्मीनाथ आश्रम को देना चाहते हैं, जो आप अनाथ बच्चों को संभालने के लिए काम कर रही है, उसके लिए हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच। वैसे आपके बच्चे का नाम क्या? जी तारा। आखिर वो हम सबकी आंख का तारा जो है।